सम्मान माँ द्वारा ही हो और उसी परंपरा को अपनाते हुए मैं श्रीमती मंजू सिंह जो कि उनकी माँ है रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनको सम्मानित करें। बहुत दुख हुआ था पर इस समय बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ सह परिवार सबके साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। यहाँ मैं कुछ बताऊँगा एयरफोर्स के बारे में, कुछ बताऊँगा करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इन द इंडियन एयरफोर्स। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग क्या करियर आस्पेक्ट्स हैं एंड इन केस आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी क्वेश्चंस कुछ भी हो मैं यहीं हूँ, आप कभी भी मुझे आके मिल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सो आई जस्ट कवर द प्रेजेंटेशन इन चार टाइटल्स में। मैं थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा इंडियन एयरफोर्स को। भारत की वायु आर्म कहा जाता है, द एयर आर्म ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, इंडियन एयरफोर्स कम्स अंडर दैट। इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी काम भारत की हवाई सीमाओं को सुरक्षित रखना होता है। इंडियन एयरफोर्स का निर्माण 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था जब उसे द रॉयल इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस रॉयल प्रीफिक्स को हटा दिया गया और फाइनली इंडियन एयरफोर्स का जन्म हुआ। प्रेजेंटली इंडियन एयरफोर्स इज द फोर्थ लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड एंड वी आर ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके, सो द करियर एज एन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स, एक ऑफिसर को एक टीम को लीड करना होता है, उसके पास अथॉरिटी है, उसके पास पावर है, बट उसको रिस्पॉन्सिबल होकर एक टीम को, एक पूरे ग्रुप को, अपने साथियों को लीड करना होता है। इसी तरह इंडियन एयरफोर्स प्रेजेंटली बहुत मॉडर्नाइज हो रहा है। आपने सुना होगा राफेल जेट, S-400, ये सब नए सिस्टम्स आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में। सो अगर आप इंडियन एयरफोर्स का अगर पार्ट बनेंगे तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ काम करेंगे। ऑल्सो जो ट्रेनिंग हमें मिलती है, जो ट्रेनिंग के हिसाब से जब काम होता है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, दे आर ऑल इम्बाइब आपके अंदर ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके करियर में आगे। ओके, सो इंडियन एयरफोर्स में तीन मेजर ब्रांचेज होती हैं। एक होती है फ्लाइंग ब्रांच, एक होती है टेक्निकल ब्रांच और एक होती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट फ्लाइंग ब्रांच में क्या चीज़ें होती हैं। फ्लाइंग ब्रांच में तीन मुख्य हिस्से हैं। एक होते हैं फाइटर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सुखोई, MiG-21, MiG-27, अपने नाम सुना होगा, वो फाइटर्स में आते हैं। अगला भाग है हेलीकॉप्टर्स, Mi-17, Mi-8, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो HAL ने स्वदेशीकरण से बनाया है, और आखिर में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम आता है। अगली ब्रांच है टेक्निकल ब्रांच। मैं खुद एक टेक्निकल ऑफिसर हूँ एंड टेक्निकल ब्रांच में दो हिस्से हैं, एक मैकेनिकल, एक इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरी है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में मेजर पांच हिस्से हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एक होता है अकाउंट्स, एक लॉजिस्टिक्स, एक एजुकेशन एंड एक मेट्रोलॉजी। एडमिनिस्ट्रेशन में दो और हिस्से हैं जिसको कहते हैं फाइटर कंट्रोलर एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। आपने नाम सुना होगा जब भी कोई जहाज़ उड़ता है तो एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जो कंट्रोल करता है पूरे हवाई क्षेत्र को। ओके, सो ये तो हो गई मोटा मोटा कितनी क्या ब्रांचेज होती हैं, कहाँ कहाँ आप आ सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका क्या क्वालिफिकेशन होगा, किस क्वालिफिकेशन के को लेके आप इंडियन एयरफोर्स में आ सकते हैं और किस ब्रांच में आ सकते हैं। सो इन केस 10+2 के बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स वाया NDA। नाम सुना होगा नेशनल डिफेंस अकेडमी। सो नेशनल डिफेंस अकेडमी
आफ्टर 12th क्लास आप आज आप ज्वाइन कर सकते हैं वाया यूपीएससी, उसका एग्जाम होता है, साल में दो बार होता है एग्जाम। इसके लिए मेजर रिक्वायरमेंट 10+2 में मैथ्स फिजिक्स इन इफ यू वांट टू गेट इन द इंडियन एयरफोर्स। अगला है इंजीनियर। इंजीनियर तीनों ब्रांचेस में आ सकते हैं, फ्लाइंग, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस। फ्लाइंग के लिए एक एक्स्ट्रा चीज होती है जिसे कहा जाता है कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। वो एक ऐसा टेस्ट है जो आपको फ्लाइंग के लिए देना पड़ता है और वो आप अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार दे सकते हैं। इनकेस यू फेल इन CPSS आप वापस कभी फ्लाइंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सो दैट इज वन मेजर कंसर्न, अगर आपको फ्लाइंग में आना है तो CPSS ये एक एग्जाम पास करना हो जरूरी होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगला है एज अ ग्रेजुएट, एज अ नॉर्मल ग्रेजुएट अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग ऑल्सो यू कैन गेट इन टू द थ्री ब्रांचेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट इज पोस्ट ग्रेजुएट। नाउ पोस्ट ग्रेजुएट अगेन हर ब्रांच में जा सकते हैं, द ओनली थिंग इज पोस्ट इन दीज टू ब्रांचेज ऑफ ग्राउंड ड्यूटी दैट इज मेट्रोलॉजी एंड एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंपल्सरी है। सो ये एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड फाइनली मैं दो टाइप की कमीशनिंग होती है इंडियन एयरफोर्स की, जबकि हालांकि हर फौज की, बीट आर्मी बीट नेवी बीट द एयरफोर्स, दो टाइप की कमीशनिंग होती है, एक होती है परमानेंट कमीशनिंग, एक होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। द परमानेंट कमीशन इज फॉर योर एंटायर करियर, हाउएवर द शॉर्ट सर्विस कमीशन इज एंगेजमेंट, 10 साल का एंगेजमेंट विच इज एक्सटेंडेबल टू 4 ईयर्स दैट इज 10+4। तो ये दो टाइप की कमीशनिंग होती है।